ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेष राशि, आपकी व्यवहार कुशलता व योग्यता आपकी तरक्की में मददगार रहेगी। आप अपने संपर्क सूत्रों का उचित उपयोग करने में भी सक्षम रहेंगे। दूसरों की मुश्किलों को दूर करने में भी आपका सहयोग रहेगा। कामों को ऊर्जा के साथ पूरा करने का जज्बा बना रहेगा। कभी कभी बातचीत के दौरान आपके मुंह से ऐसी बात निकल सकती है संबंधों के लिए नुकसानदायक रहेगी। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन आदि का प्रयोग ना करें। अपने गुस्से और आवेग पर भी कंट्रोल रखना जरूरी है। कामकाज को लेकर कोई सकारात्मक यात्रा फायदेमंद रहेगी तथा आर्थिक रूप से बहुत लाभदायक साबित होगी। व्यापारिक संबंध और अधिक मजबूत बनेंगे। योजनाबद्ध तरीके से अपने काम पूरे करते चलें। नौकरी में छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं। आपके सहकर्मी ही आपके विरुद्ध कुछ अफवाहें फैला सकते हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम प्रसंग स्थापित होंगे, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि इनका असर आपके करियर और पढ़ाई पर ना पड़े। यात्रा के दौरान अपने खान पान और दवाइयों का विशेष ध्यान रखें। इस समय मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। भाग्यशाली रंग है नीला, भाग्यशाली अंक हैं 6। उपाय हैं: पीपल पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। वृष राशि, ग्रह स्थिति अनुकूल है, मन मुताबिक तरीके से कार्य बनेंगे। दृढ़ निश्चय होकर अपने प्रत्येक कार्य में ध्यान दें। आर्थिक दृष्टि से भी आज का दिन आपके लिए बेहतरीन उपलब्धियां ला रहा है। रचनात्मक तथा मन मुताबिक गतिविधियों में भी बेहतरीन समय व्यतीत होगा। व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से बच्चों की परेशानियों को नजरअंदाज ना करें। उनके साथ कुछ समय व्यतीत करने से उनका मनोबल बढ़ेगा। कोई बीती हुई नकारात्मक बात आपकी आज की दिनचर्या पर हावी ना होने दे। व्यवसायिक दृष्टि से इस समय बेहतरीन है। साथ ही अपने संपर्कों के साथ टच में रहना जरूरी है। इस समय कार्यक्षेत्र में अनुशासन और नियमों को और मजबूत करना होगा। ऑफिस में फाइलें और डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह व्यवस्थित रखें। परिवार में सुख शांति रहेगी। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाकर रखें। मनमुटाव की आशंका है। मेडिटेशन, योगा जैसी गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में रेगुलर रखें। ज्यादा तनाव की वजह से हार्मोन संबंधी दिक्कतों से गुजरना पड़ सकता है। मेडिटेशन, योगा पर जरूर ध्यान दें। भाग्यशाली रंग है नीला, भाग्यशाली अंक है 6। उपाय हैं: लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। मिथुन राशि, किसी विशेष कार्य के प्रति की गई आपकी मेहनत रंग लाएगी। उचित प्रयासों से आर्थिक स्थिति अधिक बेहतर होगी। कोई निवेश संबंधी योजनाएं भी बनेंगी। संतान की विदेश जाने संबंधित कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। पिता या पिता समान किसी व्यक्ति का सहयोग आपके लिए भाग्योदय कारक रहेगा। स्वभाव में स्वार्थीपन लाना और आत्म केंद्रित होना निकटस्थ लोगों को नाराज भी कर सकता है। वसीयत संबंधी मामले उठ सकते हैं। बहुत अधिक धैर्य व संयम से काम लेने की आवश्यकता है। कुछ समय आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों पर भी व्यतीत करें।
ग्रह स्थिति अनुकूल है, आपके व्यवसायिक काम स्वतः ही बनते जाएंगे। सहयोगी तथा कर्मचारियों का भी आपके कार्यों के प्रति पूर्ण सहयोग रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी स्थानांतरण संबंधी कोई सूचना मिल सकती है जो कि बेहतर रहेगी। पति पत्नी तथा प्रेम संबंध खुशनुमा रहेंगे, साथ ही मित्रों के साथ मेल मिलाप भी प्रसन्नता देगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, सिर्फ दिनचर्या व्यवस्थित रखें। भाग्यशाली रंग है नीला, भाग्यशाली अंक है 6। उपाय हैं, गुरुजनों और वरिष्ठ लोगों से आशीर्वाद लें। कर्क राशि। रोजमर्रा की दिनचर्या से उबकर आप परिवारजनों साथ कुछ मनोरंजन व घूमने फिरने के मूड में रहेंगे, जिससे सभी व्यक्ति खुशी और नई ऊर्जा महसूस करेंगे। सबके साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के दोस्त आपके लिए मानहानि का कारण बन सकते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखना अति आवश्यक है। और बहुत अधिक सोचने की बजाय योजनाओं को कार्य रूप में भी लाना जरूरी है। कारखाने और फैक्ट्री संबंधित बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बनी हुई है। अचानक कोई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट मिलेगा, अपने प्रतिनिधियों को कमजोर ना समझें, उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज भी ना करें। पति पत्नी के संबंधों में कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होंगे, जिसका असर परिवार पर भी पड़ेगा, इसलिए सावधान रहना आवश्यक है। शरीर के किसी हिस्से में इंफेक्शन की वजह से सूजन आ सकती है, अपना उचित इलाज लेना आवश्यक है। भाग्यशाली रंग है बादामी, भाग्यशाली अंक है 8। उपाय हैं, गुरुजनों और वरिष्ठ लोगों से आशीर्वाद ले। सिंह राशि। अनुकूल समय है, किसी विशेष कार्य को लेकर चल रहे प्रयासों में निश्चित ही आपको सफलता मिलने वाली है। विरोधी आपके व्यक्तित्व के आगे परास्त होंगे। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर सजग रहेंगे और सफल भी होंगे। कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। किसी महंगी वस्तु की खरीदारी को लेकर जल्दबाजी ना करें, उस पर उचित विचार विमर्श करना जरूरी है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले। स्त्रियां अपने सम्मान को लेकर विशेष रूप से सजग रहें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। बिजनेस संबंधी नई योजनाओं पर काम करना फायदेमंद रहेगा। संपर्कों के जरिए कोई विशेष जानकारी भी मिलेगी। इस समय कमीशन और कपड़ों से जुड़े बिजनेस में फायदा होने के योग बन रहे हैं। ऑफिस में पुराना विवाद खत्म हो सकता है। पति पत्नी के सामंजस्य घर में खुशनुमा वातावरण रहेगा तथा प्रेम संबंध भी प्रगाढ़ होंगे। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानी जैसे खांसी जुकाम हावी हो सकते हैं, अपनी इस समस्या को लापरवाही में ना लें। आयुर्वेदिक इलाज लेना उचित रहेगा। भाग्यशाली रंग है हरा, भाग्यशाली अंक है 1। उपाय हैं, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं। कन्या राशि। अनुकूल ग्रह स्थिति है, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को अंजाम दे, इससे आपकी योजनाओं को सकारात्मक दिशा मिलेगी।
भूमि संबंधी खरीद फरोख्त का काम संपन्न हो सकता है। साथ ही यह डील काफी फायदेमंद भी रहेगी। व्यवस्थित दिनचर्या रखें। अत्यधिक कार्यभार की वजह से आप कुछ भी व्यवस्थित रूप से संपन्न नहीं कर पाएंगे। बेहतर होगा कि अपने काम की अधिकता को घर के अन्य सदस्यों के साथ बांट लें। कुछ समय खुद के लिए भी जरूर निकालें। व्यवसाय में बहुत अधिक व्यस्तता बनी रहेगी। साथ ही कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी नजर रखना जरूरी है। कार्यक्षेत्र से जुड़े सभी फैसले दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय खुद ही लेने का प्रयास करें। नौकरी में परिवर्तन संबंधी कोई सूचना मिलेगी। पारिवारिक व्यवस्था में भी अपना योगदान दें। इससे आपसी नजदीकियां बढ़ेगी। विवाहेतर संबंधों से दूर रहे। पॉल्यूशन की वजह से एलर्जी और खांसी, जुकाम होने जैसी समस्या से जूझना पड़ सकता है। ऐसे स्थानों पर जाने से पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। भाग्यशाली रंग हैं क्रीम, भाग्यशाली अंक हैं 9। उपाय हैं। शिव चालीसा का पाठ करें। तुला राशि। ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है, सिर्फ आपको दृढ़ निश्चय होकर काम करना है। स्थान परिवर्तन संबंधी कोई योजना है तो उसे फलीभूत करने का अनुकूल समय है। व्यस्तता के बावजूद कुछ समय आत्मनिरीक्षण में भी अवश्य व्यतीत करें। इससे आपको मानसिक शांति अनुभव होगी। अपना मनोबल और आत्मविश्वास बनाए रखें और भावुकता हावी ना होने दें। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपके स्वभाव की वजह से कुछ लोग आपका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने में आपका प्रयास जरूरी है। मौजूदा हालातों की वजह से व्यवसायिक स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हो पाएगा और व्यस्तता बहुत रहेगी। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को अपना काम बेहतरीन तरीके से पूरा करने पर अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन मिलेगा। पति पत्नी के मनमुटाव का असर घर की व्यवस्था पर पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। अपनी दिनचर्या के प्रति लापरवाही ना करें। खांसी, जुकाम और गला खराब होने जैसी स्थिति से राहत पाने के लिए आयुर्वेदिक इलाज लें। भाग्यशाली रंग हैं ऑरेंज, भाग्यशाली अंक हैं 4। उपाय हैं। माता सरस्वती की पूजा करें। वृश्चिक राशि। राजनैतिक अथवा सामाजिक संपर्कों का दायरा विस्तृत करें। आज भाग्य आपके पक्ष में है। कोई राजनैतिक उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, जिससे समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। सगे संबंधियों का सहयोग और स्नेह अभी आप पर बना रहेगा। अचानक कोई ऐसा खर्चा सामने आ सकता है कि जिस पर कटौती करना संभव नहीं होगा और इससे आपका मासिक बजट गड़बड़ा जाएगा। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि इस चिंता का असर आपकी सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। हालांकि किसी मित्र की सहायता से आपकी समस्या का समाधान भी निकलेगा। व्यवसायिक कार्यों में गति आने से व्यस्तता बढ़ जाएगी। मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय आज लाभदायक स्थिति में रहेंगे। कोई शुभ व महत्वपूर्ण यात्रा संपन्न होने की संभावना है। नौकरी में किसी वजह से प्रमोशन रुक सकता है, इसलिए सावधान रहें।
आपकी उपलब्धियों की वजह से परिवार के लोग खुशी महसूस करेंगे। प्रेमी प्रेमिका को मुलाकात का अवसर मिलेगा। वायु विकार और जोड़ों के दर्द संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। बादी वाली तथा तली हुई चीजों का सेवन करने से बचें। भाग्यशाली रंग हैं आसमानी, भाग्यशाली अंक हैं 8। उपाय हैं: लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। धनु राशि: आज पठन पाठन तथा उत्तम जानकारियों को हासिल करने में बेहतरीन व्यतीत होगा। किसी समस्या का भी समाधान मिलेगा जिससे राहत महसूस होगी। युवा वर्ग को अपनी पहली इनकम मिलने से बहुत अधिक खुशी महसूस होगी। ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अपना भारी नुकसान करेंगे, इसलिए अपनी इन नकारात्मक आदतों में सुधार लाए। ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। अनावश्यक खर्च ना करें। व्यवसाय में इस समय किसी भी कार्य को बहुत अधिक ध्यान से करने की जरूरत है। कुछ चुनौतियां रहेंगी और प्रतिस्पर्धा संबंधी मामलों में बहुत परेशानियां आएंगी। नौकरी पेशा लोगों को डिपार्टमेंट संबंधी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह उचित सामंजस्य बना रहेगा। जीवन साथी के साथ कुछ समय जरूर बिताएं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिर्फ काम की अधिकता की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रह सकती है। भाग्यशाली रंग हैं गुलाबी, भाग्यशाली अंक हैं 6। उपाय हैं: शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें। मकर राशि: घर को नया लुक देने की योजना बन रही है तो किसी इंटीरियर की सलाह अवश्य ले। फाइनेंस संबंधी फैसले उचित रहेंगे। युवा वर्ग अपनी किसी दुविधा के दूर होने से राहत महसूस करेंगे। किसी समारोह आदि में जाने का भी निमंत्रण मिलेगा। बुरी संगत से दूर रहें और किसी भी तरह का लेन देन ना करें। विवादित जमीन जायदाद संबंधी मामलों को निपटाने में कुछ परेशानियां आएंगी, परंतु सफलता भी मिलेगी। बिना मतलब किसी से भी उलझना उचित नहीं है। इस समय व्यवसाय संबंधी कोई भी रिस्क लेना फायदेमंद रहेगा। अपने विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। कारोबारी विस्तार संबंधी कोई योजना भी हाथ में आ सकती है। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। बच्चों की तरफ से भी कोई सुखद समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। अपनी नियमित जांच अवश्य करवाएं। मौसम के बदलाव संबंधी परेशानियों से अपना बचाव रखें। भाग्यशाली रंग हैं बादामी, भाग्यशाली अंक हैं 1। उपाय हैं: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और गाय को चारा खिलाएं। कुंभ राशि: निवेश संबंधी कार्यों के लिए आज समय बहुत ही उत्तम है, इसलिए इन कार्यों में विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित करें। पिछले कुछ समय से चल रही दिक्कतों से भी राहत मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह भी परिवार पर बना रहेगा। किसी रिश्तेदार की तरफ से दुखद समाचार के मिलने से कुछ समय के लिए मन में उदासी व नकारात्मक विचार उठ सकते हैं। कुछ समय योगा और मेडिटेशन में व्यतीत करें जिससे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी।
विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई की अपेक्षा फालतू गतिविधियों में अपना समय व्यतीत करेंगे। शुरुआत में आपके अधिकतर काम सुचारू रूप से बनते जाएंगे, परंतु दोपहर बाद ग्रह स्थितियां विपरीत हो सकती है। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से परहेज करें। नौकरी में भी कार्य संबंधी किसी बात को लेकर दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी का आपके कार्यों के प्रति पूर्ण सहयोग रहेगा तथा घर में भी सकारात्मक वातावरण व्याप्त रहेगा। वाहन वगैरह चलाने में बहुत अधिक सावधानी बरतें। गिरने या चोट लगने जैसी ग्रह स्थिति बनी हुई है। भाग्यशाली रंग हैं जामुनी, भाग्यशाली अंक हैं 6। उपाय हैं: माता पिता से आशीर्वाद लेकर कोई नया काम करें। मीन राशि: इस समय लाभ संबंधी ग्रह स्थिति बनी हुई है। पिछले कुछ समय से जिस कार्य के लिए प्रयास कर रहे थे, आज उसमें सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। आपको अपनी मेहनत और लगन के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। किसी भी परिस्थिति में आपका स्वाभिमान व आत्मबल बना रहेगा। कभी कभी कोई नकारात्मक बातें हावी होने से आपके मनोबल में कमी आएगी। अपने स्वभाव को पॉजिटिव बनाकर रखें। कोई भी कार्य करने में ज्यादा सोच विचार ना करें, अन्यथा समय हाथ से निकल सकता है। व्यवसाय में इस समय नई योजनाएं बनाने के लिए समय पक्ष में नहीं है, इसलिए वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित रखना उचित रहेगा। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर कुछ बदलाव संबंधी योजना भी बन सकती है। नौकरी में कोई विशेष अथॉरिटी मिलेगी। घर का वातावरण सुखद और प्रेमपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमति से विवाह में परिणत होने के अवसर बनेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मौसम में बदलाव की वजह से कुछ आलस और सुस्ती आ सकती है। भाग्यशाली रंग हैं हरा, भाग्यशाली अंक हैं 2। उपाय हैं: माता लक्ष्मी की पूजा करें,